डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप की प्रोग्रामिंग एरर्स होती हैं, जिसमें हमने लिंकर एरर्स के बारे में स्टडी किया, कंपाइल टाइम एरर्स के बाद सिंटेक्स एरर्स के बारे में स्टडी किया। आज हम लॉजिकल एरर्स एंड सिमेंटिक एरर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं। देखिए, व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक आपकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है। हम कह सकते हैं कि उनके लॉजिक क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। लॉजिकल एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास में अनडिज़ायर्ड आउटपुट आता है। अनडिज़ायर्ड का मतलब क्या? कि ऐसा आउटपुट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप कह सकते हैं इसको मीनिंगलेस आउटपुट। हम ये भी कह सकते हैं इन एरर्स की वजह से आपके पास में इनकरेक्ट आउटपुट आता है। बट स्टूडेंट्स, जो कोड होता है वो क्या होता है? एरर फ्री होता है। इसमें कोई एरर नहीं है, बस आपने जो कोड लिखा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें कहीं पर लॉजिकल एरर आ गई। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे पास में 3 नंबर्स का सम आए, बट वहाँ पर आपने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, 2 नंबर का तो सम कर दिया, 1 में आपने निगेशन कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर लॉजिकल एरर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इन एरर्स की जो अकरेंस होती है, हम ये कह सकते हैं कि एरर्स ये कब आती हैं, डिपेंड करता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे। डेवलपर किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी डेवलपर्स होते हैं, उन सब की अपनी लॉजिकल थिंकिंग होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर प्रोग्रामर बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल साउंड है, मतलब उसका लॉजिक बहुत ज़्यादा गुड है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर क्या, कम चांसेस होंगे एरर्स के। देयर विल बी फ्यूअर चांसेस ऑफ एरर्स। स्टूडेंट्स, आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी आप थिंक करें उस प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन के टर्म में थिंक करें। कि आप के पास में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैं एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मेरे पास में यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फाइल को मैंने इंक्लूड किया है। इसके बाद में मैंने मेन मेथड लिखा। मेन मेथड में मैंने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली क्या है, एक मेमोरी लोकेशन होती है जिस पे हम डेटा को सेव करते हैं। डेटा आके यहाँ पे सेव होता है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एक सम नाम का वेरिएबल है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बता चुका हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स एक तो हमें ये बताता है कि डेटा का टाइप क्या है, दूसरा उसका मेमोरी साइज़ क्या है। यहाँ पर सम नाम का वेरिएबल है, इसका मेरे पास में कितना आया, 0 सेव हो गया। इसी तरीके से एक हमने और लोकेशन ली है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, के नाम दिया है, जिसमें हमने क्या किया है, 1 सेव किया है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं। देखिए, लूपिंग के बारे में आपको आगे बताऊँगा। लूप्स बेसिकली, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लूप्स बेसिकली होते क्या हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना चाह रहे हो तो वहाँ पर हम लूप्स लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन 10, i++।
ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको अब ये 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, तो सीधी सी बात है आई को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस के किया है, यहाँ पे हमने के प्लस प्लस कर दिया, यानी सम में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं के की वैल्यू को, बाद में हम इसको के को प्लस प्लस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ सम इज परसेंटाइल डी सम। नाउ यहां पर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास में एक लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर क्या है, देखिए यहां पर आपने क्या कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम सेमी कॉलन लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये एंड है स्टेटमेंट का। इट मींस यहां पर सेमी कॉलन नहीं आना चाहिए, अगर यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा तो ये लूप यहीं पे फिनिश हो गया, बट आपने बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक मेंशन की है तो ये कोड तो आपका एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, यहाँ पे एरर शो हो जाएगी, तो ये क्या है, आपकी एक लॉजिकल एरर है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी कोई लॉजिकल एरर ना हो। लॉजिकल एरर होती है कोड में, कंपाइलेशन टाइम पे वो एरर शो नहीं होती है, बट जब आप उसको रन करेंगे तो वहाँ पर वो एरर आपको शो होगी, आपका आउटपुट नहीं आएगा, जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट आपको शो नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सिमेंटिक एरर्स की। नाउ स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया लॉजिकल एरर्स के बारे में, लॉजिकल एरर्स का जो कोड होता है वहाँ पर कोई एरर नहीं होती है, बस हमने उस प्रॉब्लम को जिस तरीके से सॉल्व किया है हमारे लॉजिक में, हमारी थिंकिंग में कहीं ना कहीं कोई एरर है। कोड कंपाइल हो जाएगा, रन कर जाएगा, लेकिन जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट आपके पास में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं सिमेंटिक एरर्स क्या होती हैं। देखिए सिमेंटिक एरर्स दो चीज़ें हैं, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटेक्स आपको ये बताता है कि आपको किस तरीके से, जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि आप किस तरीके से किसी प्रोग्राम को डेवलप करोगे, आपने उस सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया। बट सिमेंटिक एरर्स ऐसी जगह पे आती हैं जब कंपाइलर को कोई स्टेटमेंट समझ में ना आए। हम ये कह सकते हैं सिमेंटिक एरर्स आर द एरर्स डेट अकर्ड वेन द स्टेटमेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंपाइलर। ये एरर्स तब अकर होती हैं जब कंपाइलर स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास में किस किस तरीके की सिमेंटिक एरर्स आती हैं उनको हम देखते हैं। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, यूज ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। देखिए जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, मैंने यहाँ पे आई का वेरिएबल बनाया, तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रोग्रामर को ये ध्यान में रखना है, डेवलपर को ये ध्यान में रखना है कि इसको वो इनिशियलाइज करे। देखिए इनिशियलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि वेरिएबल को वैल्यू दे देना, वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कराना। यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया i, बट इसको कोई वैल्यू नहीं दी। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कि i इक्वल टू जीरो लिख देते, मतलब इसको कोई वैल्यू आपको देनी है। तो ये भी क्या है, आपकी एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, ये आपकी सिमेंटिक एरर कहलाती है। दूसरा स्टूडेंट एरर आती है हमारे पास में टाइप कंपेटिबिलिटी की। अब देखिए टाइप कंपेटिबिलिटी बेसिकली क्या है, मेरे पास में यहां पे किस तरीके का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जो बी वेरिएबल है उसके पास में किस तरीके की वैल्यू आनी चाहिए, उसके पास इंटीजर टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, जीरो आ जाए, फाइव आ जाए, यहां पे आप सिक्स को सेव कर सकते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू यहां पे आनी चाहिए। बट आपने यहां पे क्या किया,
कि आपने यहाँ पर ए बी सी यानी कि कोई स्ट्रिंग की वैल्यू को यहाँ पे सेव कर दिया, तो यहाँ पर टाइप कंपेटिबिलिटी की एरर आती है। टाइप मिसमैच का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर तो मेरे पास में स्ट्रिंग की वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास में इंटीजर का वेरिएबल है, तो ये वैल्यू यहाँ पर कैसे सेव हो जाएगी? यहाँ पे इंटीजर की ही वैल्यू सेव होगी, तो ये भी आपकी एक क्या है, सिमेंटिक एरर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एरर्स इन एक्सप्रेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्रेशन की एरर्स भी आती हैं हमारे पास में। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल बनाए इंटीजर के, एक मेरे पास में ए है, एक मेरे पास में बी है, एक मेरे पास में सी है। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी इक्वल टू सी कर दिया, ये गलत हो गया। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे ये असाइनमेंट की एरर हो गई, तो ये एरर इन एक्सप्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, कभी कभी हमारे पास में एक एरर आती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जब आप एरे को स्टडी करेंगे तब आपको ये एरर देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे एरे है, उसके पास में कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, बट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, केवल एक को ही असाइन कर दिया, तो ये भी हमारी क्या है, एक सिमेंटिक एरर है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट किया, हेडर फाइल को इंक्लूड किया प्रोग्राम में, मेन फंक्शन लिखा, तीन वेरिएबल लिए, और मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को आपको वैल्यू देनी होती है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करा दी, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री, सी इक्वल टू वन। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक सिमेंटिक एरर आ गई। जब भी देखिए आप असाइनमेंट करते हैं तो वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ जाए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर हो गई। कंपाइलर इसे क्या कर देगा, एरर शो कर देगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान में रखेंगे कि लॉजिकल एरर्स कैसी होती हैं। लॉजिकल एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जो कि कंपाइलर जो होता है उसमें करेक्ट आउटपुट शो नहीं करता है। सिमेंटिक एरर्स ऐसी होती हैं जहां पर कंपाइलर को कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है। सिंटेक्स एरर्स कैसी होती हैं, जहां पर आपने प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स को यूज़ नहीं किया। आपको बताया गया कि स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमी कॉलन लगाना है, लेकिन आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया। रन टाइम एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जिसमें कि आपका प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं करता है, जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो। लिंकर एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं, आपने अपने प्रोग्राम में ऐसी फाइल के फंक्शन को यूज़ कर लिया जो कि कहीं दूसरी फाइल में डिफाइन है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल तो बनेगी लेकिन ऑब्जेक्ट फाइल के इनसाइड वहाँ पे कंपाइलर को कोई भी कोड नहीं मिलेगा। तो हमारे पास में 5 टाइप की एरर्स होती हैं। सिंटेक्स एरर्स होती हैं जो कि कंपाइलेशन टाइम पे आती हैं, रन टाइम एरर्स होती हैं, लिंकर्स एरर्स होती हैं, लॉजिकल एरर्स होती हैं और सिमेंटिक एरर्स होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।